स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय पटेल रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर का स्वादिष्ट सब्जी, वो भी न काजू और न मगज, सिर्फ टमाटर और प्याज का ग्रेवी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और 100 ग्राम मटर लिया है, और यहाँ पे 2 कटा हुआ बड़ा टमाटर है और 3 कटा हुआ प्याज है। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 से 4 लहसुन का कली लिया है और एक छोटा सा अदरक टुकड़ा कट करके रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो जो हमने प्याज को और टमाटर को कट करके रखा था उसको हम इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें मिर्ची को और लहसुन को और अदरक को भी इसी में ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसका पेस्ट बनाएंगे। आज का जो रेसिपी है मटर पनीर का सब्ज़ी, वो बहुत ही ज़्यादा अलग बना रहे हैं और बहुत ही इजी आप बना सकते हैं। तो इसको हम फ्राई करने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका ग्रेवी बनाएंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसको हम थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे क्योंकि अभी गर्म है पूरा, और उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। टमाटर का और प्याज का, लहसुन का और अदरक का, इसको हमने भून कर पेस्ट बनाया है। अब यहाँ पे जो पनीर है इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे पनीर फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो हम जो पनीर था उसको हम ऐड करेंगे। इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पनीर जो है फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्राई किया हुआ पनीर है, इसको हम ना गर्म पानी में ऐड कर देंगे थोड़ा देर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट रहे जो हमारा पनीर हो। 2 मिनट तक ले ही रखेंगे इसको गर्म पानी में, ताकि जो हमारा पनीर हो वो खाने में बहुत सॉफ्ट लगे। दोस्तों इसी कढ़ाई में हम 100 ग्राम सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा गोटा, 1 गोटा लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। इसको हम थोड़ा देर भुनेंगे 1 मिनट तक, ताकि जीरा जो है वो ब्राउन हो जाए। तो जीरा जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे गूरा, और 1 चम्मच धनिया पाउडर गूरा। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। अब जब इसको भुने तब गैस का जो आँच है वो एकदम धीमा होना चाहिए। अब हम जो मसाला का पेस्ट बनाए थे उसको हम ऐड करेंगे। हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे और मसाला को पकाएंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 5 मिनट तक ले मसाला को और ग्रेवी को अच्छे से भुना है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करेंगे, आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा मटर था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम धीमा आंच में 4 से 5 मिनट तक और भुनेंगे और इसको ढक देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 मिनट तक इसको हम ढक कर भुना है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना शानदार कलर दिख रहा है, रात को का वीडियो शूट कर रहे हैं। अब इसमें हम दोस्तों जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा था उसको ऐड करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भुनेंगे, और अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें ग्रेवी के जितना आपको चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसमें हम थोड़ा सा, हमें ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1 से 1.5 कप। अब इसको हम भुनेंगे थोड़ा देर, इसको हम 2-3 मिनट तक अब ढक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
हमारा मटर पनीर का सब्जी बनके रेडी हो चुका है। हमने ग्रेवी इसमें कम रखा है क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं चाहिए था। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेवी इसमें और बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रेसिपी वीडियो, मटर पनीर का सब्जी शॉर्टकट। आप इसमें न काजू न मगज, आपको कुछ चीज़ का दरकार नहीं है। आप आसानी से ग्रेवी बनाकर टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।